मुफ्ती साहब, आप ये बताइए, जैसा स्पोर्ट्स का आपने कहा, खवातीन अगर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं, आजकल तो सब कुछ पे टीवी पे दुनिया सारी से लाइव ट्रांसमिशन दिखाया जाता है फॉर एग्जांपल, तो कोई ऐसी स्पोर्ट जो मुसलमान औरत अपना सतर करके प्रॉपर तरीके से जिस्म को कवर करके, अगर फॉर एग्जांपल स्प्रिंटर है, 100 मीटर की उसने दौड़ में हिस्सा लेना है, तो दुनिया सारी तो लाइव देखेगी उसको, जितना मर्जी वो सतर करेगी, क्या उसकी इजाज़त है? बाकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। नहीं, असल में ये मैं कह रहा हूँ कि अब वो उसके अंदर तो उसके खदो खाल ये वो जी सब चीज़ें ज़ाहिर होंगी, जाहिर होंगे। ज़्यादा वहाँ बेपर्दगी का उनसर शामिल हो जाएगा। इससे तो कहते हैं कि आप दुनिया को क्यों दिखाते हो? अब आप ऐसे स्टेडियम बनाएं जिसमें औरतों की एंट्री हो और औरतें वहाँ खेलें, और औरतें वहाँ जब खेलें और वो औरतें उनको देखें, बच्चे देखें, कोई बात नहीं। असल में खुद दुनिया नहीं चाहती, दुनिया नहीं चाहती कि ये जो है दुनिया, वैसे हर चीज़ में ये जूते औरतों का पोर्शन है, ये जूते मर्दों का पोर्शन है, ये कपड़े कोल्स के अंदर औरतों का पोर्शन है, ये मर्दों का पोर्शन है, ये बच्चों का पोर्शन है। भाई आप हर चीज़ में पोर्शन अलग अलग बनाते हैं, स्टेडियम में पोर्शन अलग बनाए ना, कि ये औरतों का स्टेडियम है, ओनली औरतें आएंगी। आज जिम भी तो बने हुए हैं, ये औरतों का जिम है, सिर्फ औरतें उस जिम में जाती हैं। यहाँ बहुत से जूस जिम बनाए हुए हैं, सिर्फ औरतें जाती हैं। तो आप स्टेडियम में बनाएं, सिर्फ औरतें होंगी, पूरा स्टाफ हर चीज़ औरतें होंगी, औरतें हैंडल के, मर्द का कोई दखल नहीं, तो क्या बनाना मुश्किल है? तो खुद नीयत ही नहीं है, नीयत आज का ये जो है मगरिब दुनिया की नीयत ही, ये औरत को देखना, इसने औरत को घर से निकाला असल में, इसीलिए दूसरी जंग अजीम के बाद बाहर निकाला, इसलिए कि तुम आज़ाद हो भाई, तुम भी बाहर आओ, जॉब करो हमारे साथ, जॉब भी करवाता और घर में रोटी भी पकवाता है, डॉक्टर बन गई और घर में आके नाश्ता भी बनाती है। तो उसे बाहर निकाला, बाहर अपनी तस्कीन के लिए उसको निकाला और उसको बेपर्दा कर दिया। वरना औरतों के लिए अलग स्टेडियम बना के वहां अगर खेल खेले जाएं तो उसमें कोई मजाक नहीं है। और ये टीवी स्क्रीन भी दिखाना क्या जरूरी है? वहां वह औरतें आए, वहां खेलें, देखें, अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो बिल्कुल करें। इस्लाम ने इन हदूद में इस चीज की इजाजत दी। साहबियात जो घोड़सवारी सीखती थी, तीरअंदाजी सीखती थी, साहबियात जो इतनी माहिर थी, दौड़ धूप में इतनी माहिर थी, जंगो जिदाल की इतनी माहिर थी, वो आखिर उन्होंने सीखा ही होगा ना। और घोड़ों के ऊपर जो औरतें जहाँ दौड़ रही हैं मैदान जंग में, वहाँ जो मुजाहिदीन को उठा उठा के, बुखारी की हदीस है, मुजाहिदीन को उठा उठा के उनके जख्मों की पट्टी कर रही हैं, हैं? अब घोड़सवारी सीख रही हैं, इस तरह तीरअंदाजी सीख रही हैं, नेजाबाजी सीख रही हैं, तलवारबाजी सीख रही हैं, क्योंकि उस जमाने के ये खेल थे। और इन्हीं खेलों को नबी पाक ने इनकरेज किया है कि तैराकी सीख रही हैं, तैराकी को इनकरेज किया आपने, तीरअंदाजी को इनकरेज किया है, घोड़सवारी को इनकरेज किया, तो उस औरतें भी इसकी माहिर थी बड़ी बड़ी। तो आज जो मारूफ जो खेल हैं वो औरतें उसमें महारत हासिल करें, लेकिन बात वही आ जाएगी कि वो हदूद के पर्देदारी की हदूद के साथ खेलें, हमें कोई एतराज़ नहीं।